थ्योरी एंड रेमेडीज। थोड़ा शुरू में आपको कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगी नक्षत्र की, विच आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये स्लाइड्स आपको सारी मिलेंगी। इसको हम कहाँ यूज करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। देयर आर 27 नक्षत्र और 27 कॉन्स्टिलेशंस इन द यूनिवर्स। होल ऑफ एस्ट्रोलॉजी बिगिंस विद दीज नक्षत्रस एंड ईच नक्षत्र हैज इन ओन लॉर्ड लॉर्ड एंड द राशि लॉर्ड विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। All these countable stars are grouped in 27 group stars from Ashwini to Revati. Simple में अगर हम ये जानते हैं कि भाई हमारे 27 नक्षत्र हैं जो कि यूनिवर्स में एक स्टार्स की तरह तारे माने जाते हैं, उन तारों के अपने अपने भगवान हैं और उन तारों के अपने अपने ग्रह जो कि उनको गवर्न करते हैं वो हैं। जब ग्रह जिन नक्षत्र को गवर्न करता है उससे रिलेटेड हमको इश्यूज और उससे रिलेटेड हमको हैप्पीनेस दी जाती है। तो इस थ्योरी पे ये चीजें पहले तो बेस्ड हैं कि भाई नक्षत्र ही सारे काम करवाता है, ग्रह जो है वो नक्षत्र के अंदर काम करते हैं और नक्षत्र जिसमें आप पैदा होते हो वो नक्षत्र आपका जन्मा नक्षत्र है, वो किसी रीजन से आपको आया है तभी आप उस समय पैदा हुए जिस समय वो नक्षत्र चल रहा था। तो ये एक सिंपल सी वो है, इसके आगे आपको नक्षत्र के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है।